के लिए, उसकी नींव रखने के लिए आज महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज एक साथ अयोध्या धाम में पधारा है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए, सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए, आज मैं इस अवसर पर दोनों दिनों सभी विभागों को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, अनुपूरक पुष्टाहार है, शाला पूर्व शिक्षा का है, स्वास्थ्य जांच का है, संदर्भन सेवाओं का है, टीकाकरण का है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम वहां पर पहले से संचालित हो रही हैं। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हॉट कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही विभाग के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, वे सभी के बहुत बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश भर में प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम क्या है, इस दौरान हम लोगों ने काफी रिफॉर्म भी किए हैं। पहले पोषाहार की जो योजना थी, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। आज यहां पे प्रदेश ने महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जगह जगह पोषाहार के हर विकास खंडों में उसके प्लांट स्थापित किए हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। आज एक नई योजना इसके माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं को जब हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सर्वे का जो 2015-16 के सर्वे हैं, अगर हम उनको 19 और 21 के बीच के स्तर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर इनका परीक्षण करती है, सर्वे करती है और फिर उनके परिणाम भी घोषित करती है। जो गत परिणाम है 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच के, वह काफी उसमें सुधार हुआ है और मेरा अनुमान है कि 23 और 24 के बीच के जब परिणाम आएंगे तो हम नेशनल एवरेज से भी आगे हमें ले जाने में इसमें मदद मिलेगी। खासतौर पर बच्चों में एनीमिया में के स्तर में 5.1% का सुधार, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार, यानी उसकी जो हाइट है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार,
सूखापन में 0.6% का सुधार, ये सभी जहां इन पिछले 4 वर्षों के दौरान देखने को मिले, और वहीं 16 की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर थी 1,000 पे 43 थी, आज वह घटकर के 2020 में यह 1,000 पे 38 हुई है। और इसको अगर हम देखेंगे, आज की तुलना में देखेंगे, तो काफी इसमें सुधार हुआ है, काफी सुधार करने की गुंजाइश भी है, लेकिन इस पे हमें निरंतर कार्य करना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ाने की जो तैयारी चल रही है, जो वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी अनुपूरक पोषाहार तैयार किए जा रहे हैं, उनमें 201 इकाइयां वर्तमान में संचालित हो रही हैं। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर ही तैयार जो फोर्टिफाइड अनुपूरक पोषाहार है, यह स्थानीय स्तर पर ही महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इसके माध्यम से 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को वहां पर आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा पिछले 5-6 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, उसके परिणाम अच्छे आए हैं, और इसीलिए हम लोगों ने विभिन्न विभागों से इस बारे में कहा कि केवल स्वस्थ बालक हो, हमारा आधार मजबूत हो, ये केवल महिला और बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग इसके साथ जुड़े, पंचायती राज विभाग जुड़े, नगर विकास विभाग जुड़े, और ये सभी विभाग मिलकर के, अगर एक साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे, और उसके परिणाम आते हुए हम सबके सामने दिखाई दिए कि आज मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में, हम लोगों ने मिशन कायाकल्प के माध्यम से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के कई विद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ 2015-16 की तुलना में, जहां हम लोग इसकी तुलना आज के स्तर पर करते हैं, तो इसमें छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, वहां पर शिक्षा के स्तर में भी काफी सुधार हुआ है, और साथ ही साथ वहां की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लगभग हर विद्यालय में टॉयलेट की, दो बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने हैं, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हुई है, स्मार्ट क्लास अधिकतर विद्यालयों में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, बच्चों को वहां पर हम लोग न केवल यूनिफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जूता मोजा भी उपलब्ध करा रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं, और मिड डे मील की क्वालिटी में भी पहले की तुलना में काफी सुधार उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिला है। ये जो सुधार है, ये जो कार्यक्रम है, इसी तर्ज पर हम आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बना सके। बहुत सारी जगह आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए विकास प्राधिकरण ने लैंड भी उपलब्ध कराई और भवन निर्माण का कार्य भी वो कर रहे हैं। बहुत सारी जगह नगर विकास विभाग इस मामले में योगदान दे रहा है, कुछ जगह पंचायती राज विभाग ने भी इसमें योगदान दिया है, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग यहां पर एक साथ 3,400 एक आंगनबाड़ी केंद्रों पर, जिनकी लागत 402 करोड़ रुपए है, इनके शिलान्यास को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ये आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन, स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे, और स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पे उन बच्चों के देखभाल से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, उनके अन्य तमाम खेलकूद की गतिविधियों से संबंधित, खेल खेल में उनके पढ़ाई की व्यवस्था भी हो सके, इससे संबंधित तमाम अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी उसके माध्यम से मदद मिल सकती है। और आज एक नया कार्यक्रम ये बना है, और मेरा फिर इस पर जोर होगा कि हम लोग
अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों को इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तेजी के साथ जितनी जल्दी हो सके हर आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन, स्वयं का भवन हो, वह बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित हो, वहां पर एक उत्तम वातावरण उन बच्चों के लिए जो 3 से 6 वर्ष के रूप बच्चे वहां पर आते हैं उनके लिए मिले, और प्री प्राइमरी के रूप में हम इन केंद्रों को वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। यह हम लोगों का जोर होना चाहिए। मिशन मोड पर अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। आज प्रधानमंत्री जी का भी इस पे काफी जोर है। आपने देखा होगा कि अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने बचपन को बचाने के लिए, भारत के बचपन को बचाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं वह आज सार्थक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर विभागीय समन्वय के परिणाम भी किस रूप में हम सबके सामने आते हैं, मैं तो अक्सर इस बात को देखता हूं। जिस ताकत को हम लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के बहुत सारे मामले आते थे, लगभग 1200 से 1500 बच्चों की मौत प्रतिवर्ष होती थी। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अक्सर इस बात को देखता था कि मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक मौतों का सिलसिला प्रारंभ होता था, लोग भयभीत रहते थे। इस दौरान हमारे पर्व और त्योहार भी पड़ते हैं, पर्व और त्योहारों के उत्साह और उमंग लोगों में कमजोर पड़ जाती थी, पता नहीं कौन बच्चा इस बीमारी की चपेट में आ जाए। लेकिन जब अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इन कार्य उसकी बीमारी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, स्वास्थ्य विभाग को इसमें नोडल विभाग बनाया गया था, महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, और ये सभी विभाग मिलकर के जब इन कार्यक्रमों इस अभियान के साथ जुड़े, आज परिणाम क्या है, जो बीमारी 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों को निकल गई, उस बीमारी को मात्र 4 वर्ष में हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया। आज इंसेफ्लाइटिस का कोई मामला हम लोगों के सामने नहीं है, और ये एक अपने आप में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए भी और बचपन बचाने के लिए जिन लोगों के मन में या देश के उज्जवल भविष्य के बारे में, एक विकसित भारत के बारे में जो भी व्यक्ति अपने मन में धारणा रखता है कि हमारा देश विकसित होना चाहिए, उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित होता है कि देखिए एक महामारी 40 वर्ष से लगातार बचपन को निगल रही थी, लेकिन थोड़े से प्रयास से, पैसे की बजट पैसे की कमी पहले भी नहीं थी और पहले पैसे की कमी आज भी नहीं है, लेकिन प्रयास बहुत सारे अलग अलग योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अगर आपस में हम जोड़ लेते हैं, अंतर विभागीय समन्वय हो जाता है, तो इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ सकते हैं और इसमें हमें स्वयं भी रुचि लेनी पड़ेगी। दूसरा, जनपद स्तर पर जहां यहां पे विभाग को भी, विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए बेहतर समन्वय की व्यवस्था कर ले। आज तो हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को एक स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाया गया है, अपनी प्रतिदिन की गतिविधि को वो उसके माध्यम से अपलोड करती हुई दिखाई देगी, तो उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे और जो रिजल्ट आएगा यही आपकी उपलब्धि होगी आज के दिन पर, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर सर्वे करती हैं और सर्वे में रिपोर्ट लेती है। यह आवश्यक नहीं कि हम आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के ही अपनी रिपोर्ट लें, हमारे पास पंचायती राज विभाग से भी जुड़े हुए आंकड़े होते हैं, हमारे पास स्वास्थ्य विभाग के भी आंकड़े होते हैं, हमारे पास नगर विकास के आंकड़े होते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अलग होते हैं, अलग अलग विभागों के आंकड़े होते हैं, और फिर सरकार की विभिन्न एजेंसियां भी इस मामले में अलग अलग समय में कार्य करती हैं। उन सबके परिणाम जब एक साथ जोड़े जाते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमने जो कुछ किया, अगर हमें अपने स्वयं के कार्य से संतुष्टि नहीं है
तो परिणाम कभी संतोषजनक नहीं हो सकता। हमें स्वयं भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसके परिणाम भी बेहतर होंगे और उस परिणाम को लाने की स्वयं की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। आज यह कार्य यहां पर हम लोगों को एक बार फिर से लेके चलना है कि प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपदों में हॉट कुक मील का जियो योजना प्रारंभ हुई है 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, जहां हमें इसे प्रभावी बनाना है। वहीं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रारूप आया है, प्री प्राइमरी के रूप में हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो याद रखना, यह उस बच्चे की नींव को हम उतना ही मजबूत करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जहां इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं महिला और बाल विकास विभाग को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, वहीं साथ ही साथ आज यहां पे इस पुलिस लाइन में कार्यक्रम है, यहां के कंपोजिट विद्यालय में हम लोगों ने इस योजना का शुभारंभ किया है, तो यहां पर पुलिस कर्मियों के लिए भी जो अयोध्या पुलिस लाइन है यहां पर पुलिस कर्मियों की अवस्थापना सुविधा के लिए उनके लिए G+12 ए और बी ब्लॉक के रूप में हम लोगों ने 2 भवनों का आज यहां पर लोकार्पण भी किया है, जिन पर लगभग 23,29,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। इनमें लिफ्ट भी है, एक लिफ्ट 8 पैसेंजर की है, एक लिफ्ट 16 पैसेंजर की है। क्वालिटी के साथ कार्य हुआ है और यह कार्य समयबद्ध तरीके से, यानी हम लोगों ने इसका शिलान्यास 6 मार्च 2020 को किया था और मार्च 2020 में कोरोना महामारी आ गई थी, और सब के बावजूद 12-12 मंजिलें ये भवन पुलिस की बेहतर अवस्था जो आवासीय सुविधा है उसके लिए बनकर के तैयार हुए हैं। इसी प्रकार की सुविधा हम लोग प्रदेश भर के सभी पुलिस लाइन में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सभी पुलिस लाइन में ज्यादातर में बन चुके हैं, यही हम हर थाना स्तर पर भी पुलिस कर्मियों के लिए, क्योंकि जब हम लोग पहले देखते थे उनके जो बंकर होते थे या जो बैरक होते थे बहुत ही जर्जर हालत में थे। मुझे एक बार लखनऊ में भी जाने का अवसर प्राप्त होता, उनके जो बैरक में मैं गया था तो मैं देख रहा था कि पूरी छत टूटी हुई थी, तो एक पुलिसकर्मी वहां एक टूटी हुई चारपाई में लेटा हुआ था। मैं अचानक वहां घुसा, बेचारा आंखें मलने लग गया, उसको आश्चर्य हो रहा था कि मैं सही उसके सामने हूं या सपने में वो सामने आया हूं। तो आंखें ऐसे खोला, मैंने कहा नहीं मैं ही हूं। मैंने कहा ये क्या देख रहे हो भाई? वो देखता क्या, वो दिन में उसको पूरे जो है ऊपर आसमान खुला आसमान दिखाई दे रहा था। उसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुलिस कर्मियों के लिए जिनके माध्यम से बेहतर सुरक्षा का वातावरण प्राप्त होता है, हम लोग प्रदेश के अंदर हर पुलिस लाइन में, हर थाना में और जहां भी पुलिस कार्मिक सेवा करते हैं वहां पर अवस्थापना सुविधाओं को देंगे। आज अयोध्या की इस रिजर्व पुलिस लाइन में यह 2 G+12 की 2 आवासीय सुविधाओं से युक्त भवन बनकर के तैयार हुए हैं, इनका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए सभी पुलिस कार्मिकों को और यहाँ पे निवासरत पुलिस कार्मिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि योजनाओं का लाभ आने वाले समय में सभी जनपदों में लोग लेंगे। एक बार फिर से हॉट कुक मील योजना के शुभारंभ के अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग को इस योजना को के प्रति बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।